आज पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में अमित शाह की रैली, दोपहर 3 बजे मेदिनापुर में रोड शो भी करेंगे अमित शाह। बंगाल के पश्चिमी मेदिनापुर में आज गरजेंगे जेपी नड्डा, 2:30 बजे के आसपास घाटाल टाउन में पुष्पाला तक करेंगे रोड शो। आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ममता बनर्जी की 3 रैलियां, रघुनाथपुर, काशीपुर और नितुरिया में करेंगी जनसभा को संबोधित। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज जाएगी चुनाव आयोग की टीम, पहले चरण में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी ईसी की टीम। कोलकाता में वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के डीएम के साथ ईसी की टीम करेगी बैठक, कानून व्यवस्था सुरक्षा को लेकर होगी चर्चा। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने सिलीगुड़ी का दौरा किया, उत्तर बंगाल में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। कोलकाता के टॉलीगंज में आज बाबुल सुप्रियो की 2 रैली होंगी, शाम 5:30 बजे और शाम 7:30 बजे जनता को करेंगे संबोधित। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष आज बांकुड़ा और पुरुलिया में करेंगे रोड शो, चतना और बंदवान में रोड शो और रानीबंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार देने का किया है वादा। गरीबों को 5,700 रुपए और कोरोना में नौकरी गंवाने वालों को 5,000 भत्ता देगी कांग्रेस, खेती के लिए बिजली बिल पर 20% छूट भी देगी। बंगाल में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर सवाल पूछने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, कहा राहुल जब आएंगे तो बता देंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पीरजादा के पार्टी के कार्यकर्ता के घर में लगाई गई आग, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। असम के लिए आज बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, सुबह 10 बजे जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। असम के जोरहाट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सदा निशाना, कांग्रेस पर असम का विकास रोकने का आरोप। आज असम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, जयपुर देव, सिलचर और बोरखोला में सीएम योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। वसूली के केस में कम नहीं हुई महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें, सीएम उद्धव ठाकरे से मिले अनिल देशमुख, कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। परमवीर सिंह ने अपने तबादले को भी सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती, याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार के आदेश को रद्द करने की उठाई मांग। सचिन वाजे केस में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है, होटल ट्राइडेंट में रची गई थी संदिग्ध कार की पूरी साजिश, सूत्रों के हवाले से ये खबर। एनआईए ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली है, 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच इसी होटल में रुका था सचिन वाजे। नवनीत राणा ने की शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के स्पीकर से शिकायत, कहा कि संसद भवन की लॉबी में मुझे धमकाया गया। बीजेपी ने लोकसभा में जारी किया व्हिप, आज फाइनेंस बिल होगा पेश, पार्टी ने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने को कहा। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी बैठक। भारत पाक के बीच सिंह बॉर्डर पर बंटवारे को लेकर आज 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में होगी, दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक। गाजीपुर बॉर्डर पर गर्मी से बचने के लिए किसानों ने लगाए हिट प्रूफ टेंट, कृषि कानून के खिलाफ बॉर्डर पर अभी भी टिके हैं सैकड़ों किसान।